साथियों, 21वीं सदी के भारत की एस्पिरेशंस और एबिलिटी का प्रदर्शन करने वाले इस एक्सपो का लखनऊ में होना एक और वजह से भी अहम है। यहां से सांसद रहे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही देश में डिफेंस इंडिजनाइजेशन का सपना देखा था और इसके लिए अनेक कदम उठाए थे। उन्हीं के विजन पर चलते हुए भारत ने अनेक डिफेंस प्रोडक्ट्स के निर्माण में तेजी हासिल की। बीते 5 वर्षों में इसमें और ज्यादा तेजी आई है। साल 2014 तक यहां सिर्फ 217 डिफेंस लाइसेंस इश्यू किए गए थे, वहीं बीते 5 वर्षों में ये संख्या 460 हो गई है, यानी 2 गुनी से भी ज्यादा हो गई है। आर्टिलरी गन्स हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, फ्रिगेट हो, सबमरीन हो, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हो, ऐसे अनेक साजो सामान आज भारत में ही बन रहे हैं। साथियों, आज भारत अपनी आवश्यकताओं के लिए आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण तो कर ही रहा है, ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट में भी अपना शेयर बढ़ रहा है। वर्ष 2014 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट लगभग 2000 करोड़ रुपए का था, वहीं बीते 2 साल में भारत करीब 17000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट कर चुका है। अब हमारा लक्ष्य ये है कि आने वाले 5 वर्ष में डिफेंस एक्सपोर्ट उसको हम $5 बिलियन यानी करीब करीब 35000 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जाए। साथियों, बीते 5 वर्षों से भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जो ये नई ऊर्जा दिख रही है, इसके पीछे हमारे अतीत के अनुभव है, वर्तमान की आवश्यकताएं हैं और भविष्य की चुनौतियां भी। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भारत सैकड़ों वर्षों तक दुनिया की प्रमुख शक्तियों में रहा, लेकिन आजादी के बाद हमने अपनी इस ताकत का उपयोग उस गंभीरता से नहीं किया जितना हम कर सकते थे। हमारी नीति और रणनीति इंपोर्ट पर फोकस होकर रह गई। परिणाम यह हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर बन गया। दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी, दुनिया की दूसरी बड़ी सेना और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कब तक सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट के भरोसे रह सकता था? यही नहीं, डिफेंस इंपोर्ट से भारत का इंपोर्ट बिल भी निरंतर बढ़ता जा रहा था। अगर इंपोर्ट की नीति पर ही हम काम करते रहते तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का ड्रीम भी देश कैसे देख पाता। भारत के युवाओं के लिए डिफेंस सेक्टर में लाखों नए रोजगार के निर्माण का
सपना कैसे पूरा हो सकता। साथियों, इसी स्थिति को बदलने के लिए 2014 के बाद एक के बाद एक पॉलिसी रिफॉर्म किए गए। बीते 5 वर्ष में भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर अभूतपूर्व सुधार हुआ है, जिसका लाभ निश्चित तौर पर डिफेंस सेक्टर को भी मिल रहा है। आज भारत का मंत्र है मेक इन इंडिया, फॉर इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड।